निश्चय कीट। इस पे दो बूंद पेशाब डालेंगे ना तो पता चलेगा, इसमें एक लाइन रहेगा तो निगेटिव आता है, दो लाइन रहेगा तो पॉजिटिव आता है। अब हम आपका पंजीकरण करेंगे, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, इसमें ना माँ और बच्चा दोनों का पूरा जानकारी भरा हुआ रहता है। पूरे गर्भावस्था के दौरान 9 महीने में कम से कम 10 से 12 केजी वजन बढ़ना चाहिए, इसलिए हम बार बार वजन लेते हैं। रक्त दाब की जांच इसलिए लेते हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई दिक्कत है तो उसकी पुष्टि होती है। बढ़ा हुआ भी है तो भी दिक्कत होती है, कम है भी तो भी दिक्कत होती है। अब हम तुम्हारा एक टेटनेस का सुई लगाएंगे, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चा दोनों को टेटनेस बीमारी से बचाव होगा। एक और जाँच है, खून की जाँच, वो लैब से जाके कराना है। उसका क्या फायदा है वो हम बता देते हैं। एक तो पहले पता चलता है कि खून की कमी तो नहीं है, और दूसरा है कि कौन ग्रुप का तुम्हारा खून है। जब भी तुम्हारा प्रसव होगा तो उसमें जब ग्रुप जानकारी रहेगा तो खून का उपलब्ध करा सकते हैं अगर जरूरत पड़ा चढ़ाने के लिए, तो इसीलिए उसका जांच कराना जरूरी है। HIV और हेपेटाइटिस, चाहे कोई बीमारी संक्रमण है तो उसका जाँच होता है, वो सब पता चल जाएगा। पेशाब के जाँच चेक करवाना है। प्रोटीन एल्बुमिन होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, गर्भवती को परेशानी होता है डिलीवरी के समय में, इसीलिए खून और पेशाब का जांच कराना जरूरी है।